तो गाइज, आज मेरा मन कर रहा था कुछ तो क्रंची और फ्राइड खाने का, तो मैंने सोचा ब्रेड पकोड़ा बनाने का बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं ब्रेड पकोड़ा बनाना। तो गाइज, आलू के ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए हमने इधर कुछ सामग्री लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आलू ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लिया हुआ है। इधर मैंने ये 1.5 कप बेसन लिया है, मैंने आलू लिए हैं बॉईल करे हुए, 5 आलू लिए हैं, और ये मैंने कटा हुआ प्याज, और ये हरा कोरिएंडर, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, रेड चिल्ली पाउडर, और ये नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ब्रेड में लगाने के लिए मैंने चिली सॉस लिया है, और ये टमाटो केचप। ये मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने इधर ये सैंडविच ब्रेड लिए हैं। तो गैस शुरू करते हैं ये बैटर बनाना इसका। तो गैस इधर ये ब्रेड को कोट करने के लिए हम इधर लहसुन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसका घोल रेडी करने के लिए इधर मुझे इसमें ये अजवाइन ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, और थोड़ा इसमें हरा कोरिएंडर डाल देंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके ब्रेड बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और ज्यादा मोटा बैटर भी नहीं बनाना, और ज्यादा पतला भी नहीं बनाना। तो गाइज ऐसे फेंटना है इसको, जब आपके बैटर की थोड़ा मोटी कंसिस्टेंसी दिख जाए तो तब इसमें आपको धीरे धीरे से पानी मिलाना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। तो गाइज हमारा जो ये बैटर है इसे हमें पतला रखना है, जो हमें ये ब्रेड कोट करने में बिल्कुल आसानी रहे। तो गाइज देखो, ये हमारा जो हमने ब्रेड कोट करने के लिए बेसन का घोल तैयार किया था वो बिल्कुल रेडी है। देखो ये बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम आलू का ये बैटर बना लेते हैं। गाइज मैं अब स्टफिंग बनाना तैयार करूँगी ये ब्रेड के लिए। तो देखो मैं ये आलू को रख लूँगी, और ये मिक्सचर से इसे मिक्स कर लूँगी। तो गाइस जो मैंने ये बॉईल करे थे आलू, वो मैं हाथ से मैश कर लूँगी, क्योंकि हाथ से अच्छे से मैश हो जाते हैं आलू। तो गाइस मैंने आलू को अच्छे से मैश कर दिया है। अब मैं इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ये मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ये हरा कोरिएंडर लिया है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इधर धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस जो हमारे ब्रेड के अंदर का स्टफिंग है ये जो बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं ब्रेड में इसको सेट करूंगी। इधर मैंने ये ब्रेड लिए हैं, और इसके ऊपर मैं रेड चिली सॉस लगा दूंगी, और एक ब्रेड में मैं ये टमाटो केचप लगा दूंगी। तो गाइस जो मैंने ये रेड चिली सॉस लगाया है और ये टमाटो केचप लगाया हुआ है, इससे क्या होगा कि रेड चिली सॉस से थोड़ा तीखा आएगा मुंह में, तो खाने में अच्छा टेस्ट लगेगा। और जो तीखा पसंद नहीं करते हैं उनके लिए मैंने ये टमाटो केचप लगाया हुआ है, उससे मीठा आएगा, तो बड़ा मज़ा आने वाला है खाने में। तो अब हम इधर स्टफिंग सेट कर लेते हैं इसके अंदर।
तो गाइज मैंने स्पून में लेके एक बॉल बनाया और उसके बिल्कुल सेंटर में रख दिया, और उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे स्पून की सहायता से इसे फैला दूंगी, पूरे कॉर्नर साइड में भी लगा लूंगी, अच्छे से भर दूंगी इसके अंदर। तो गाइज मैंने ये ब्रेड के अंदर ये स्टेपिंग सेट कर ली, और मैं जो इसके ऊपर जो मैं ब्रेड रखूंगी उसके ऊपर भी मैं ये टमाटो केचप लगा लूंगी। उसके बाद मैं इसे ब्रेड के ऊपर सेट कर दूंगी। तो गाइज मैंने ब्रेड के अंदर सारे स्टेपिंग सेट कर ली, और मैं एक के ऊपर एक ब्रेड चढ़ा दूंगी ताकि हमारे ब्रेड है जो एक के ऊपर एक चिपक जाए, हमारी स्टेपिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। ये देखो पूरी सेट होने देंगे इसे। तो गाइज जो हमने ये बेसन का घोल बनाया था ब्रेड को कोट करने के लिए, इसको भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ब्रेड को सेट करूंगी, कोट करूंगी। तो गाइज मैं अब ये जो मैंने बेसन का घोल बनाया था, तो गाइज देखो मैंने ये ब्रेड कोट कर लिया है बेसन के घोल में। अब मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी तेल जो मैंने गरम करा है। तो गाइज मैंने ये पैन गरम करके इसमें ऑयल भी गरम कर दिया है, और मैं इसमें फ्राई करूंगी ब्रेड पकौड़े। आराम से डालने हैं, बिल्कुल तेल से बिल्कुल केयरफुली रहना है। तो गाइज देखो मैंने काट के नहीं डाले हैं, ऐसे ही डालते हैं, उसके बाद मैं कटिंग करके आपको दिखाते हैं। और ऑयल ऐसे करके इनके ऊपर डालते रहना है। तो गाइस हमारा ये ब्रेड बिल्कुल फ्राई हो चुका है, अब हम इसको ये प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने दूसरा ब्रेड भी निकाल दिया। तो गाइस हमारे ब्रेड पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखो गाइस मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। तो देखो गाइस ये देखो चाकू चलाने से बिल्कुल क्रिस्पी लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट ब्रेड पकौड़े बने हैं हमारे। ये देखो वाओ, देखो गाइस बिल्कुल ट्राई करना। हमारे ब्रेड पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी है। कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे लगी, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलना, वहाँ पे बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना, मेरी जो न्यू रेसिपी आएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं मिलूँगी आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गाइस आप अपना ध्यान जरूर रखना।